स्टूडेंट्स, आज आप इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करना सीखिएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसका हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि से समाकलन निकालना है या इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, इसका हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन निकालेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है कि एक को चेक करते हैं, इसका अवकलन निकाल के यानी कि डिफ्रेंसिएशन करके देखते हैं। अगर x का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं यानी 1 प्लस 2x स्क्वायर का, तो ये 1 का तो 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर का अगर हम लोग अवकलन निकालते हैं यानी डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, 2x है, यानी x हमको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल के बराबर मानते हैं। लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू टी, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ डी 1 प्लस 2x स्क्वायर बटा डी एक्स बराबर यानी कि इक्वल टू डी टी बटा डी एक्स। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू 2x, इसका डी टी बटा डी एक्स यानी हमारा आ गया 4x, और इसको हम लोग 4x आ गया और डी टी बटा डी एक्स। तो हम क्वेश्चन का ये इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स, इसी का निकालना। इसी के आधार पर हम लोग यहां से अपने मान रखेंगे, तो देख रहे हैं यहां पर x dx dt के रूप में लाना है, तो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग 4x इंटू डी एक्स लिख देंगे और डी टी कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया एक्स डी एक्स और डी टी बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे क्वेश्चन में एक्स डी एक्स के स्थान पर लोग डी टी बटा 4 रख देंगे और इसको तो हम टी माने। ठीक है, यानी जो हम लोग वेरिएबल मानते हैं उसी के अलॉन्ग में यानी उसी के अनुसार सारे उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये इसको तो हम लोग माने हैं टी, तो टी रूट में हो जाएगा, एक्स डी एक्स का वैल्यू आ गया डी टी बटा 4 आ गया। ठीक, 1/4 बाहर निकल जाएगा और ये हमारा अंडर रूट है, तो अंडर रूट का पावर 1/2 कर दिया जाए और डी टी हो गया। ठीक है, तो 1/4 और ये इसका हम लोग एक्स पावर एन जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था उसी पर तोड़ देंगे, टी की पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा और 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक हम लोग कॉन्स्टेंट इसके साथ ऐड कर देते हैं, तो 1/4 टी के पार हो गया 3/2 और 3/2। ठीक है, अब प्लस सी, तो ये तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 और टी के पावर 3/2 प्लस सी यानी 2 × 4 कट गया आपका, तो हो गया 1/6। और टी का हम लोग माने हैं, टी माने 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसका पावर है 3/2 प्लस सी यानी हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लिए क्वेश्चन नंबर 8 का, इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन प्राप्त कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4x प्लस 2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका भी हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। देखेंगे 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में है कि एक को हम लोग किसी वेरिएबल के बराबर मानते हैं तो अगला हमें प्राप्त होता है कि नहीं ये चेक करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर टू यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टी को वेरिएबल के बराबर हम लोग लेते हैं, इक्वल लेते हैं, इसका हो जाएगा 2x प्लस 1
आइए तो कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि अगर 4x प्लस 2 है, अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2x प्लस 1 बच सकता है, ठीक है। यानी कि इसका हम अगर डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, अवकलन करते हैं, तो ये प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ को चेक करने के बाद ही हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया, अब इसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के बराबर मानेंगे। देखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाय डी एक्स बराबर डी टी बटा लिख देंगे डी एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 1 का 0 और d इक्वल टू डी टी बटा में डी एक्स। तो क्या आएगा यहाँ पर 2x प्लस 1 ये हो गया डी एक्स बराबर इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब इसमें देख लिया जाए, इस रूप में तो है नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 लेंगे कॉमन इस क्वेश्चन में, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये रूट में जैसे वैसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे इसको, देख रहे हैं 2x प्लस 1 डी एक्स इसके बराबर है, डी टी के बराबर है, और इसको हम लोग टी माने हैं। तो ये हो जाएगा रूट टी, और ये जो चीज है ये तो बाहर निकाल दिए, कॉन्स्टेंट है, तो 2x प्लस 1 डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी टी है, ठीक है। तो 2 हो गया, और इसको हम लोग रूट है, तो रूट का पावर क्या होता है, 1 बाई 2 डी टी हो गया 2। और हम लोग लिख सकते हैं इसको फॉर्मूले पे, इंटीग्रेशन इसका जो होता है एक्स पावर एन का, तो 1 बाई 2 प्लस 1 कर देंगे, पावर नीचे लिख देंगे प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। एक कॉन्स्टेंट दे देंगे सी, 2 आ गया, और टी के पावर 3 बाई 2, और ये है 3 बाई 2 प्लस सी हो गया। टू हो जाएगा और 2 बाई 3, और हम लोग क्या करेंगे, टी टी क्या माने थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब पावर क्या है, 3 बाई 2 प्लस सी, यानी कि 4 बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर 3 बाई 2 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन निकल गया, ये इसका आंसर हो गया। इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल लिए, क्वेश्चन नंबर 9 का इंटीग्रेशन क्या है, 4 बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर 3 बाई 2 प्लस सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के सोल्यूशन अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। अगर आपको किस तरह का समस्या हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।